तो भैया अपना जैकेट जो है बिल्कुल धोकर एकदम मस्त गार्ड वार्ड लगा के देखो अंदर रेडी है। और आज है संडे और टाइम मिल गया अपने को होंडा हाइनेस पर राइड करने का बहुत टाइम के बाद। बाकी हम थोड़ा लेट निकल रहे हैं, 9 बजने वाले हैं तो 9 बजे करीब निकल जाएंगे। सोचा था कि 7 साढ़े 7 बजे तक निकल जाए मगर लेट तो हो ही जाता है यार। चलो सीधे मिलता हूँ आपसे राइड के दौरान, वहीं बात करता हूँ आपसे रास्ते में। तो अपना टैंक बैग ले लिया है, साथ में पानी की बोतल सबसे इम्पोर्टेंट, और पेट्रोल भरवाना है रास्ते में, फिर चलेंगे। ओ भाई ये तो बंद हो गई। 76 किलोमीटर। वैसे तो मैंने यहाँ से दमदमा लेक का लगाया है, बाकी देखते हैं जाना कहाँ है। चले पेट्रोल भरवा लेते हैं थोड़ा सा। ये क्या हुआ, बंद कर दिया? छः सौ डालो, 600 को। चलो जी पेट्रोल भरवा लिया और हवा भी चेक करवा ली, ओके हो गया सब। अब शुरू होगी अपनी असली राइड, सारे काम पूरे कर लिए। वो ये देखो सामने खड़ा है मिग, मिग कौन सा है पता नहीं बट खड़ा तो मिग ही है। एक फ़ोटो खींच दे, फोटो फोटो इसके पीछे मेरी आगे से। तो भैया बहुत समय के बाद जो है ना एलिवेटेड रोड पे आने का मौका मिला है। पीछे क्या है ना, वो जो किसानों का धरना था उसकी वजह से एलिवेटेड रोड बंद थी। हालांकि ये पूरी बंद नहीं थी, नीचे वसुंधरा पड़ता है वहाँ पे उतर जाते हैं, एक रोड उतरती है वहीं तक खुली थी, आगे तक नहीं आ रही थी पूरा यूपी गेट तक। और आप लगा लो करीब 1 साल से ऊपर हो गए थे इसको बंद हुए, और जब खुली है उसके बाद फर्स्ट टाइम मैं इस पर जाऊँगा सीधा आगे निकलने के लिए। सीधे यूपी गेट से हम जुड़ जाएंगे मेरठ एक्सप्रेस वाले रोड के पास, तो वहाँ से जाने वाले हैं। अच्छा बीच वाला जो है मेरठ एक्सप्रेसवे है और ये वाला जो है साइड वाला रूट है उसका। यार काफ़ी टाइम के बाद आ रहा हूँ ना, ये वाली रोड थी नहीं, नीचे से ही आना पड़ता था या फिर उल्टा घूम के आना पड़ता था। बाकी यार इतने टाइम के बाद जो है ना वापस बाइक से राइड कर रहा हूँ मैं, ये समझ लो कि 2022 की मैं पहली राइड कर रहा हूँ। तो भाई ये रोड जाता है 12 पुला 5 ओवर आ जाएगा, यहाँ से चलते हैं सीधे साउथ दिल्ली की तरफ। ये बड़ा बढ़िया लगता है देखने में जब भी आता हूँ यहाँ पर। वैसे तो हालांकि बहुत कम आया हूँ मगर जब भी आता हूँ काफ़ी खूबसूरत से बनाया हुआ है, बढ़िया सा। हमें जाना किधर, इधर से आना ना, क्या उल्टा पुल्टा जा रहे हैं आज। अरे भैया चलो भैया, भाई आज बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, पता नहीं क्यों यार बार बार हम गलत घूम रहे हैं। अभी एयरपोर्ट ही चले जाते हम,
अब यहाँ से फिर मैप दिखा रहा है इधर का। ये मैप जो है ना थोड़ा लेट चल रहा है मुझे लग रहा है, आगे निकलने के बाद बताता है कि रास्ता उधर से था। ये जगह यार काफ़ी शानदार लगती है एकदम, यहाँ तो ऐसा लगता है पूरा रोड का ग्राउंड बना दिया हो बिल्कुल, पूरा खुला एरिया। और यहाँ पे ना एग्जिट्स हैं कई सारे, जैसे एग्जिट 5, एग्जिट 6, एग्जिट 7, जैसे एग्जिट 7 लिखा हुआ है, तो ऐसे जो है ना हमको एग्जिट 10 से ना एग्जिट करना है। देखो दिखाता हूँ मैं आपको, ये लिखा है एग्जिट 7, ये साउथ सिटी के लिए चला जाएगा, सेक्टर 14 के लिए चला जाएगा। और ये सामने देखो ये आगे एग्जिट 10 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, सोना के लिए रोड जा रही है जो, और पास से दिखाता हूँ एग्जिट 10 सोना, तो यहाँ से हमको बाहर करना है, एग्जिट कर लेना है। ये हो गया एग्जिट, भाई ये देखो ये सामने, ये देखो ओ भाई ये बिल्डिंग है क्या है, बड़ी खतरनाक सी बना रखी है भाई, 40 मंजिला से ऊपर। अच्छा गजब है भाई, इतनी लाल बत्ती आ रही है ना यहाँ पे, क्या बताऊँ मैं, मतलब काउंटलेस लाल बत्तियाँ हैं, काउंटलेस। भाई तो अभी ना हम अंदर घुस गए हैं पक्की रोड से, और ये देखो अंदर का गांव वाला रोड जाता है, इस तरह के खड़ंजे वाली रोड है। और इधर देखो भाई यार मैच चल रहा है, मैच क्रिकेट मैच, बढ़िया सा ग्राउंड बना रखा है, तो मस्त आ रहा है यार, सही एकदम। आई आई आई, पहली बॉल आई स्पिनर, भाई साहब क्या बात, लेदर की बॉल से खेल रहे हैं भाई, तो पूरा पैड वैड लगा के सही तरीके से एकदम, भाई पानी तो अपने साथ हमेशा रखते हैं। सोचो 10 मिनट मैच देखते हैं फिर निकलते हैं, तो रिलैक्स भी हो जाएगा, बहुत देर होगी चलाते जाते, 1.5 घंटे से ऊपर हो गया, 1.5-2 घंटे हो गए, याद रहने गया 12 किलोमीटर रह गया बस। भाई पूरे ही हम अलग हो गए एकदम सिटी वाली रोड से, और वो जो खड़ंजे वाली रोड थी वो भी गई, अब तो ये पक्की रोड आ गई है सिंगल लेन, और जो पूरा गाँव का इलाका है यहाँ से 10 किलोमीटर और रह गया है। मगर यहाँ पे स्पीड ब्रेकर भाई साहब दुनियादारी अलग, स्पीड ब्रेकर अलग, इतने स्पीड ब्रेकर है ना क्या बताऊँ मैं, देखो मारो आदमी बढ़े तो बढ़े कैसे, दो दो कदम पे तो स्पीड ब्रेकर आ जा रहे हैं। इन्होंने जान खा रखी है स्पीड ब्रेकर से, सही बताऊँ मैं, ये स्पीड ब्रेकर पे अब उड़ाना ही पड़ेगा लग रहा है, रोकने की बजाय इतने स्पीड ब्रेकर है ना भाई, रोक रोक के तो हमारी हत्या से हो जाएगी। ये देखो अरावली की पहाड़ियाँ, छोटी छोटी सी अरावली पर्वत, ऐसे आगे दिखेंगे बहुत सारे, तो कुछ अलग ही नज़ारा दिख रहा है अब, और बिल्कुल अलग रूट पे आ गए भाई, इधर कुछ गांव का एरिया भी है, रोड टूटी फूटी है यहाँ पे भाई, यहाँ तो राजस्थान जैसा लुक आ रहा है, ऊंट भी दिख गया देखो भाई, कितना इस पर लोड डाल रखा है, लोड तो क्या भूसा ही है मगर डाल कैसे रखा है भाई, ये है क्या भाई, लेक तक जाने का रास्ता है यही है भाई, चली जाएगी है, हाँ आगे आगे भाई आगे, क्या कर लोगे क्या करोगे, चलो ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल सरस दमदमा, चलो जी आ गए, और भी लोग आए हुए हैं काफ़ी, बाइक के खड़ी हैं भाई, फाइनली आ गए सरस रिजोर्ट, शायद ये सरस रिजोर्ट, यहाँ से ही आपका रास्ता जाता है दमदमा लेक के लिए, वो सामने देखो उधर लेक है, तो उधर तो रास्ता जाता है, और कैमल राइडिंग भी हो रही है, झूले भी लग रहे हैं, काफ़ी कुछ है यहाँ पे। ये जो लेक है ना, ये नेचुरल लेक नहीं है, इसको ब्रिटिशर्स ने बनाया था, और करीब आज़ादी के टाइम में 1947 के आसपास ही ये लेक बन के तैयार हुई थी,
ये सामने वाला है, ये मीका सिंह का फार्म है, मीका सिंह जो सिंगर है उसका फार्म है, बताओ। ये सरसा बोरक है, खेती बाड़ी है, उसी की है सारी है, घोड़े भी है, ऊंट भी है, क्या बात है, कुत्ते भी है, ये मीका सिंह की है। डूब जाती है उस टाइम, डूब जाती है, पानी तो काफ़ी कम हो रखा है यहाँ पे ना। एक्चुअली में क्या है, बरसात के मौसम में जुलाई अगस्त में वो पानी रहता है, वो जो सरसों की खेती हो रखी है ना वो पूरा भर जाता है पानी से, पूरा डूब जाता है पूरा इलाका ये। रास्ते हैं भी यहाँ पे कहीं जाने के, इतना सही है, साफ़ सुथरा कुछ है नहीं खास यहाँ पे ना, गंदगी तो है किनारे किनारे पे, और कुछ मेंटेन नहीं कर रखा है ढंग से, फिर भी लोग आ रहे हैं काफ़ी। जो ऊपर जो रिज़ोर्ट है ना, मेरे ख्याल से वहाँ के हिसाब से आ रहे होंगे, वो अच्छा बना रखा है। और भी रिज़ोर्ट है यहाँ पे कुछ, ताज रिज़ोर्ट, बोटानिक्स फार्म, बोटानिक्स रिज़ोर्ट, क्या बात है, काफ़ी फेमस है बोटानिक्स तो यहाँ पे। कैमल राइडिंग के लिए भाई कैमल तैयार हैं, भाई साहब एकदम से उठा दिया भाई, कैमरा भी ऑन नहीं करने दिया, लगा अभी गिरा, अब गिरा सब गिरा, जल्दी वाले, अबे तुम्हारे तो सीट भी टेढ़ी हो रही है, मैं टेढ़ा हो जाऊंगा, अच्छा भाई, कैमल राइडिंग होगी बढ़िया वाली, याद हो लेके नहीं गया, 200 मीटर कहा था उसने मगर पहले घुमा दिया। दीपक भाई तो भाई लड़ने को हो गया था उससे, आज आर पार कर देता और यहाँ पिकनिक स्पॉट है भाई आगे, ये थोड़ा रिजॉर्ट का हिस्सा है, ये पूरा पिकनिक स्पॉट देखो यहाँ पे, अरे कुछ स्पोर्ट्स भी करा रहे हैं यहाँ पे ना, क्रिकेट भी खेल रहे हैं यहाँ पे, क्रिकेट के पैसे लगते हैं यहाँ पे, स्पोर्ट्स क्या कर रहे हैं, मंजी पे रोप पर इसको चलना होगा ऐसा कुछ है, मुझे पिकनिक स्पॉट है भाई पूरा। तो सोच रहा हूँ यहाँ से निकला जाए, काफ़ी टाइम हो गया है, ये नए स्पेक्स बनवाए मैंने रिफ्लेक्टर्स, तो काफ़ी धूप लगती थी यार दिन में राइड करते समय ना, एकदम धूप चमकती थी सीधे आंखों में अंदर घुसती थी, उसकी वजह से जो है ना रिफ्लेक्टर्स बनवाए हैं, अब ज़्यादातर राइड्स ना वैसे से करूँगा, इसी को पहन के दिन में तो अच्छे लगे मुझे, कम्फर्टेबल है। सब्सक्राइब कर लो, अभी कर लो, दिख जाएगा आपको, चाचू देखते हैं ना वीडियो। आप लोग ये बस से आए हो, तो कहाँ से आई है बस? मलकागंज से। तो सारे वहीं के हैं सर, यही पानी सूख गया है, हाँ यही वाला, ये वाला आप आ जाओगे वीडियो में देखना आप। चलो ओके बाय। चलो भैया निकल आ जाए यहाँ से, अब तो भैया फाइनली निकल तो गए हम दमदमा लेक से, और उम्मीद करता हूँ कि आज का लोगों को पसंद आया होगा, एक शॉर्ट राइड करी है हमने और एंजॉय किया अच्छा खासा, काफ़ी दूर के बाद मैंने जो है होंडा हाइस निकाली थी राइड करने के लिए, आ गए भैया यहाँ का जो प्लेस है ये अच्छी है, ठीक ठाक है, मतलब बहुत अच्छी तो मैं नहीं कहूँगा, बाकी इसके जो रिज़ोर्ट हैं वो सही हैं, लेक में तो कुछ खास बात लगी नहीं मुझे, बोटिंग हो रही है बस वहाँ पर, और आए कहाँ से तो भाई, किधर जाना है इधर? निकल आ जाए भाई यहाँ से शोर करते हुए, तो भाई हमने ग्रुप ज्वाइन कर लिया राइडर्स का, सही है भाई, हेलमेट बड़ा मस्त है, हेलमेट सही है एकदम, और ये देखो और राइडर्स जा रहे हैं आगे, इसका हेलमेट भी ख़तरनाक है भाई,
गजब गजब हेलमेट वाले लोग हैं, क्या ही बताएं। क्या कर रहे हो? कोई नहीं कोई नहीं। बाकी अपनी वीडियो को यहीं पर ना, यहीं पर दी एंड कर देना चाहिए। तो भैया यहीं पर दी एंड कर लेते हैं और आपसे नए सफ़र पे मुलाकात होगी, क्योंकि बहुत कुछ बन गया है इस व्लॉग के अंदर। और होंडा हाइनेस से बहुत दिनों बाद मैंने अपनी राइड स्टार्ट करी दोबारा से। चलिए तो आपसे लेते हैं अलविदा, मिलते हैं एक और नए सफ़र पर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।